हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूजी का हलवा हम कैसे बनाएं जो कि बिल्कुल परफेक्ट बने दिखने में भी और खाने में भी। और ये जो है ये न्यू मॉमीज भी खा सकती हैं, आप बिगनर हैं तो भी बना सकते हैं, आप अपने जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ग्रो अप जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक बहुत हेल्दी डाइट है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं और जो सूजी का हलवा है या बेसन का हलवा है वो विंटर्स में तो बच्चों को खिलाना ही चाहिए, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रेसिपी बताऊंगी, आपको इसके बाहर अपने तरफ से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये बिगनर्स के लिए भी है वीडियो, अगर आप डेली बनाते हैं तो ये एक हेल्दी वे है बनाने का और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा इससे हलवा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है। देखिए, सूजी की और चीनी की क्वांटिटी मैं बिल्कुल इक्वल ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, व्हाइट शुगर यूज नहीं करती हूँ। मैं ब्राउन शुगर कौन सी मंगाती हूँ, दैट इज रो शुगर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, ये बहुत ही हेल्दी रहती है। तो सूजी एंड चीनी की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल सेम ली है। घी देखिए सबका बिल्कुल अलग अलग होता है तो उसकी मैं कोई क्वांटिटी नहीं बताऊंगी। घी आपको इतना सफिशियंट डालना है कि आप जब सूजी उसके अंदर भुने तो सूजी सूखी नहीं लगनी चाहिए, उतना घी आपका होना चाहिए कि वो पूरा भीग जाए। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें जो सबसे अच्छी ट्रिक है जिससे कि हलवा टेस्टी बनता है, तो उसमें आप एक स्पून बेसन का डालिए। बेसन डालने से क्या होगा कि उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा सूजी के हलवे से और वो खिला खिला और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप ये तरीका यूज करके देखिए, बिगिनर्स को भी बता रही हूँ, ये बहुत टेस्टी हलवा बनता है। हम सबसे पहले जो है बेसन को थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा भूनने के बाद उसके बाद हम उसमें सूजी डाल देंगे जो कि हमने नाप के ली थी। अब हम कढ़ाई में जो है आपका सूजी जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वो डाल देंगे और उसे चलाते रहेंगे। देखिए, इसका सबसे अच्छा मेथड जो है बनाने का वो आप सिम गैस पे बनाइए, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे तेज गैस पे बनाते हैं तो यस, इसका गोल्डन ब्राउन कलर जल्दी आ जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चा रहेगा हलवा। तो आप इसे सिम गैस पे भूनते रहिए और मीनवाइल आप दूसरे गैस पे जो है अपना पानी का पतीला रख दीजिए और उसमें शुगर डाल दीजिए ताकि वो अपना पानी जो है वो रेडी हो जाए। पानी की क्वांटिटी जो है हम 3 times या 2.5 गुना जरूर लेते हैं। और इसमें देखिए मैंने सिम गैस कर रखी है, अभी मुझे 10 minutes हो गए हैं इसे भूनते हुए। इसमें हल्का हल्का जो है घी ऊपर आने लग गया है, बबल्स आने लग गए हैं। इसको हम चलाते रहेंगे सिम गैस पे और ये देखिए इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी जैसा कलर परफेक्ट मुझे चाहिए वैसा नहीं आया है। 15 minutes हमें हो चुके हैं, पानी मेरा बॉयल हो चुका है, पानी को अब हम साइड में रख देंगे। हलवे को आप चलाते रहिए सिम गैस पे, हलवे में जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें ये पानी डालेंगे। इतने हम हलवे में ये कार्डेमम पाउडर है ताकि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहे, कार्डेमम पाउडर मैं डाल देती हूँ। और मैंने बादाम क्रश करके रख रखे हैं, अच्छी तरह पीस के रख रखे हैं। इसमें थोड़े अखरोट एंड काजू भी मैंने डाले हुए हैं, बिकॉज मेरे बच्चे जो हैं वो पीसेस वाले नहीं खाते हैं देख के, तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है आप इसको बिल्कुल क्रश करके रखिए। और आप अगर अपनी पसंद से अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप कैसे भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपके बच्चों को पसंद है। अब हम इसे चलाते रहेंगे, ये हमें 20 मिनट्स मुझे हो चुके हैं और ये देखिए आपके हलवे का कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है ये, और घी सारा ऊपर आ गया है। ये इसकी निशानी होती है, जब हलवा घी छोड़ देता है सिम गैस पे चलाते हुए तो इसका मतलब वो आपका तैयार है, अब आप उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आप हलवा फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हलवे में देखिए गोल्डन ब्राउन कलर जो आ गया है, इस टाइम में आप पानी डालिए और पानी डालते हुए बी केयरफुल, क्योंकि वो एकदम उछल के आपके छींटे वगैरह लग जाते हैं तो आप जल सकते हैं। तो पानी डालते हुए सिम गैस रखनी है हमें, धीरे धीरे करके पानी डालिए आप और फिर उसके बाद इसको हिलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से सब जगह पानी मिल जाए। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं और ऊपर ही रहेगा तो वो नीचे तो गांठे बन जाएंगी लेकिन ऊपर वो पानी पानी हमें दिखाई देगा। तो आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके और पानी डालते रहेंगे ताकि इसमें कलर भी अच्छा आए और ये पानी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी कभी भी आपको सूजी भूनते हुए नहीं डालनी है क्योंकि वो जो है वो अपना मॉइस्चर छोड़ देती है उस टाइम, तो वो आपको उस टाइम नहीं करना है, पानी के साथ ही आपको चीनी डालनी है। आप इसको हिलाते रहेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हलवा आपका बनके तैयार है। ये देखिए आप इसका कलर देखिए, इसमें जो है घी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट थी, इसका मीठा एकदम परफेक्ट है और इसमें देखिए बादाम भी हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट हलवा आपका बनके तैयार है।
अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, जैसा आपके घर वाले खाते हैं आप उस तरह से सर्व कीजिए। मेरे घर में कुछ लोग जो हैं बादाम ऊपर से डले हुए खाते हैं इस टाइप से, तो मैं उन्हें उस टाइप से सर्व करती हूँ। बच्चे मेरे बादाम पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें सीधा हलवा दे रही हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी बादाम है। तो ये बना के देखिए, ये आपका ट्रिक जो है बेसन वाला और सिम गैस वाला, इसको जरूर अपनाइएगा और हलवा आपका बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।